जो कलेक्टर है वो जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वहां के प्रत्याशी है, उनका नौकर है, उनका सर्वेंट है, व्यक्तिगत सर्वेंट। मर्यादा क्या होती है, राजनीतिक मर्यादा क्या होती है, अब इसकी बात करना भी उचित नहीं बचा इसका। एक यादव मुख्यमंत्री ने कि यादव महिला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का अपने कलेक्टर को कहके षड्यंत्र तरीके से निरस्त फार्म निरस्त करा दिया। ये एहसास क्या कहता है, ये एहसास तानाशाही की ओर देश ले जा रहा है, ले जाना है, इसका एक मैसेज देता है। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में निर्वाचन अधिकारी का दायित्व होता है कि फॉर्म में कोई कमी है तो नेचुरली स्वाभाविक है सुधार करवाएं, बिठाकर सुधार करवाएं। एक फोटोकॉपी है जिसमें हर जगह साइन है, पर कलेक्टर का ये बोलना कि एक फॉर्म पे सिग्नेचर नहीं है, ये कहना अपने आप में इस बात का द्योतक है कि जो फोटोकॉपी में साइन है और आप में नहीं है वो फॉर्म हमें दे दो, दिखा दो, मीडिया को बता दो, तो कहा ये फ्रीज हो चुका है, फ्रीज हो चुका है, अब कोर्ट में आप जाओगे तो ही बताया जाएगा, अब नहीं दिया जाएगा। ये बताता है कि हम कुछ नहीं मानेंगे। जो छोटे छोटे चुनाव में, सरपंच के चुनाव में हठधर्मिता होती है, वो हठधर्मिता हम सांसद के चुनाव में, देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव में करेंगे। मतलब जो सोच विचार इनके राजनीतिक मातृत्व, राजनीतिक सामाजिक संगठन का है, अब वो उसको मूर्त रूप देने लगे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और प्रदेश की जनता को आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपके वोट की ताकत को बचाना है, राजनीतिक मर्यादा को बचाना है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को आपको हराना ही पड़ेगा। पर जैसा मैंने कहा कि बीजेपी का कलेक्टर, मैंने कल भी बयान दिया था, 3 घंटे तक कुर्सी पे नहीं आया। जो प्रत्याशी था वही, उसके प्रत्येक दर से वीडियो भी है और उसका वो सब हम जैसे कोर्ट में ले जाने के लिए जो कार्रवाई करनी पड़ती है उसके लिए इंडिया गठबंधन ने भी और समाजवादी पार्टी ने भी 12 बजे जाके प्रत्याशी और उनके पति वहां कांग्रेस के और गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर ऑफिस में बैठे। कलेक्टर 3 घंटे तक आया ही नहीं। निर्वाचन अधिकारी होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी, संसदीय निर्वाचन अधिकारी होता है, ये बात तो मैं खुद साक्षी हूं। मैंने कलेक्टर को, मेरे रिकॉर्ड में देख लें, 10 बार फोन लगाया, मैसेज किए, मेरा फोन उठाया, एक पार्टी के विपक्ष के का नेता के प्रदेश अध्यक्ष का उन्होंने फोन उठाया। अनुपम राजन जो जिला निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश के हैं उनसे मेरी बात हुई, स्टेट के हैं उनसे मेरी बात हुई। तब जब मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा सर ये साइन नहीं है और ऐसी शिकायतें वहां से आई है, पर चूंकि कलेक्टर वहां जाएंगे तो वो साइन हो सकती है, इसमें कोई चूक नहीं, ये मौखिक उनकी और हमारी बात हुई फोन पर। तो अगर कोई गलती थी तो स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, जो कमी है उसको पूरी करवाना। लोकतंत्र का मूल विचार क्या कहता है, ये कहता है कि अगर फॉर्म में कमी है तो दूर करवाना। 3 घंटे बैठे थे, लगातार बैठे थे, मीडिया डोमेन में है, तो ये कहना कि जिला निर्वाचन अधिकारी बीजेपी का एजेंट बन गया, यही तो लड़ाई है।